बायोलॉजी लाए हैं एनसीईआरटी ट्वेल्थ की। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको नोट्स दे करके बताऊं या ज़रूरी पॉइंट है उनको लिखवा करके यहीं पे ऐसा तैयार करा दूं कि आपको यहीं याद हो जाए। आप पेज पलटो, आपको चीज़ें तैयार हो रहे हैं। मतलब बायोलॉजी में आप पढ़ो, एक बार पढ़ लो, फिर कभी भी आप पेज पलटो, आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते हैं कि एक बार भी पढ़ें आपको चीज़ें क्या हो जाएं, बिल्कुल याद हो जाएं। ठीक, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका ट्वेल्थ में, इलेवेंथ तो आपने सेल डिवीजन और डिवीजन पढ़ा ही होगा। ठीक है, आपको याद हो जानी चाहिए। घर पे गए, एक बार पढ़े, इसके बाद पेज पलटे, और आपको ज़रूरत ना पड़े कि दोबारा कभी पेज पलटो तो आपको समझ में नहीं आए। पहला चैप्टर है बेटा, पहला कौन सा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। छोटा तो नहीं हो रहा, दिख रहा है बेटा, पीछे वाले आगे आ जाओ कोई दिक्कत हो तो। ठीक, तो रिप्रोडक्शन पढ़ने के पहले तो लाइफ के बारे में जानो कि लाइफ क्या होता है, लाइफ क्या है, किसको कहते हैं, कि इस जैसे आपको कहा जाए कि जीवन क्या होता है, लाइफ स्पैन, जीवन काल, ये क्या होता है, क्या होता है लाइफ स्पैन, बर्थ टू नेचुरल डेथ। बेटा डेथ नहीं, किसी को कमरे में बंद कर दो, खाना नहीं मिले, चार दिन में तो वैसे भी एक्सपायर कर जाएगा वो, तो क्या उसकी नेचुरल डेथ हुई। नेचुरल डेथ वो होती है जिसमें आपके पास सब कुछ हो लेकिन फिर भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ पूरी करने के बाद, अब जिसके पास सब कुछ है कि जिसके पास पैसा है वो नहीं मरते हैं, मरते हैं, तो बेटा नेचुरल डेथ हुई कि उनको सब कुछ चीज़ें मिला लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद डेथ हो गई, तो क्या कह सकते हैं, बर्थ टू नेचुरल डेथ। ये क्या होती है बेटा, लाइफ स्पैन होती है। क्लियर है इतनी बात, बर्थ टू नेचुरल डेथ इज अ लाइफ स्पैन। इसके बाद समझ में आ रहा है ना कि जब से पैदा हुआ जीवन चला और सब कुछ कंडीशन के बाद भी क्या हो गई, डेथ हो गई, नेचुरल डेथ, तो इसे क्या कहेंगे हम, लाइफ स्पैन। बेटा ये लाइफ स्पैन किस पे नहीं डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट टू साइज, ये साइज पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। अब देखो, जो क्रो का साइज होता है, कौवे का साइज जो होता है, लगभग पैरेट का वही साइज होता है, लेकिन जो क्रो होता है उसका लाइफ 15 ईयर होता है और पैरेट की लाइफ 140 ईयर होती है, तो क्या ये जीवन काल, लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड किया, नहीं डिपेंड किया ना। तो कभी भी ये याद रखने का कि कभी भी आपकी लाइफ या किसी की भी लाइफ किस पे डिपेंड नहीं करती है, उसके बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, लाइफ स्पैन इंडिपेंडेंट टू द साइज। इसके बाद होता है कि जिसने बेटा जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, लेकिन एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनकी डेथ जनरली नहीं होती है, इनकी डेथ नहीं होती है। कैसे नहीं होती है डेथ बेटा, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, और बात कर रहा हूं मैं प्रोकैरियोट्स की, जनरली मैं इसी की बात कर रहा हूं। एक बैक्टीरिया है, ठीक, इसकी कंडीशन आ गई, सब कुछ सही हुआ, इसको प्लेंटी फूड ऑक्सीजन मिला, ये डिवाइड कर गई कितने सेल में, दो सेल में, ड्यू टू बाइनरी फिजन। तो ये बताओ इसकी डेथ हुई,
दो से ये चार बनाएगा तो क्या जो सबसे पहले वाला पेरेंट है उसी का पार्ट तो होगा। अब जैसे इसने एक से दो बनाया, फिर इसमें बाइनरी फ्यूजन हुई, दो से क्या बन गई, चार बैक्टीरिया हो गई। तो बताओ क्या ये बैक्टीरिया में ए ले लूं, ये बी ले लूं, ये सी ले लूं, तो सी का डेवलपमेंट बेटा किससे हुआ है, इनडायरेक्टली ए से ही तो हुआ है। क्या ए की डेथ हुई है, क्या नहीं हुई है ना। इसने जो है अपने फॉर्म के लाइफ के फॉर्म को न्यू लाइफ फॉर्म में चेंज किया, ए से बी, बी से सी। क्या डेथ हुई इसकी, कहीं नहीं हुई। और इसने नई लाइफ बना करके नया लाइफ स्पैन स्टार्ट कर दिया, फिर ऐसे ही आगे चलेगा, सी वाली डी बनाएंगी, ये मल्टीप्लिकेशन करती जाएंगी। तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन लाइक अ यूकैरियोटिक सेल डिवीजन हो गया। क्या जैसे आपकी स्किन है कहीं कट लग गई, कुछ दिन में देखिए अपने आप वो फिर भर जाता है चोट, ड्यू टू सेल डिवीजन। इनके में जो सेल डिवीजन होता है बेटा, इसको हम बॉडी डिवीजन कह सकते हैं। हमारे में सेल डिवीजन करके नई सेल्स बनती हैं, इनके में सेल डिवाइड की तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, तो क्या नई बॉडी बन गई, क्या इनकी डेथ हुई, नहीं। अब कहेंगे तालाब में बैक्टीरिया है, तालाब ही सूख जाए तो बैक्टीरिया डेथ नहीं हो जाएंगी, मर जाएंगी, मर जाएंगे कि नहीं मरेंगे। तालाब में बैक्टीरिया है, तालाब सूख गया, पानी चाहिए, मरी, क्या उसका नेचुरल डेथ हुआ, नहीं। तुमने उसके लाइफ के रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया, या नेचर ने जब पॉन्ड सूख गया बेटा तो उसके लाइफ की जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए, उसको फूड नहीं मिला, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, क्या हो गया, उसका डेथ हो गया। क्लियर हुई इतनी बात। तो अभी तक इस पेज में क्या है, सबसे बड़ी बात है लाइफ स्पैन क्या होता है, बर्थ से नेचुरल डेथ, दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, बर्थ से नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ का मतलब है कि उसके पास उसके जीने के सभी साधन हैं, इसके बाद भी वो क्या हुआ, एक्सपायर हो गया, मर गया, तो क्या हो गई, लाइफ स्पैन हो गई उसकी। दूसरी चीज, लाइफ स्पैन कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करती, ये स्पीसीज टू स्पीसीज डिफरेंट होती है। तीसरी बात, एक्सेप्ट बेटा डाई कौन नहीं करते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, मेनली मैंने प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल ले लिया, किसका, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया केस में हुआ क्या बेटा, बैक्टीरिया के केस में ये हुआ कि बैक्टीरिया एक थी, उसको फूड और ऑक्सीजन अच्छे से मिला, बैक्टीरिया दो में डिवाइड हो गई। तो बेटा जिसका ये बॉडी था वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दो। ये मरा क्या, नहीं, दो नए सेल बना लिए, दो नई बॉडी बना लिया। कुछ दिन बीता, इस रिचिया कोलाई 30 मिनट में डिवाइड कर जाती है, उसने फिर सेल का फॉर्म कर दिया। तो जो ये सी सेल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं बेटा ए वाले का ही तो पार्ट है, क्योंकि जो ए है वो क्या बनाया, बी, बी ने क्या बनाया, सी। तो ए की क्या, अब ए नहीं है, बी भी नहीं है, लेकिन कौन है, सी। तो क्या सी के अंदर ए का कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या सी के अंदर बी का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ना तो ए मरा ना तो बी मरा, उसने अपने लाइफ के फॉर्म को रिफॉर्म कर दिया, नई लाइफ बना ली उसी से। तो क्या हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया ना। अब देखो पहली पेज पढ़ते हैं, एनसीईआरटी लाए हो, एनसीईआरटी 12th की बिल्कुल मस्ट है बेटा, मैं यहीं तैयार करवा दूंगा, ठीक। चलो देखते हैं ईच एंड, अब देखिए आप एक एक लाइन, अब ये पूरे पेज को आप देख लीजिए, आपके समझ में आ जाए तो अच्छी बात, और बेटा जहां भी समझ में नहीं आएगा आप तुरंत रेज योर हैंड एंड क्रॉस क्वेश्चन कि सर नहीं समझ में आया दोबारा। चलो बेटा देखते हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दिस पीरियड बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट एंड लाइफ स्पैन। क्लियर हो गया, 12th वाले हो बेटा ना सब लोग, तो पहले चैप्टर तो पढ़ा रहा। हाँ
चैप्टर वन डिलीटेड पोर्शन है। अच्छा ये बताओ बेटा, आप क्या पढ़ रहे हो? नीट फाउंडेशन। तो हमें आपके स्कूल के साथ साथ नीट के पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा तो नीट का भी चैप्टर तैयार हो गया, और ये तैयार हो गया तो स्कूल का भी तैयार हो गया। मैं आपके सारे चैप्टर तैयार करवाऊंगा। डिलीटेड कौन कौन से हैं इसमें? रिड्यूस कर दिया है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जनरल इसको पढ़ा देते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक, डिलीटेड वाले को लास्ट में पढ़ा दें। अभी आपका स्कूल चलना शुरू हो गया है, कौन से चैप्टर खत्म हुआ है उसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पढ़ा देंगे। तो अभी ये चैप्टर खत्म हो गया स्कूल में कि नहीं? चल रहा है। कहाँ पहुँचे हैं अभी? चलो ठीक है, बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की। चलो ठीक, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये पढ़ाना ही है, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर छोड़ देंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आते हैं, और आप अभी से तैयारी करो, ट्वेल्थ के साथ अपना अटेम्प्ट दो। बेटा आपके स्कूल का तो देखो, यदि आपने नीट को कवर किया तो वो तो इतना डिटेल में होगा कि आपके स्कूल का तो बड़े आराम से कवर हो ही जाएगा। ठीक है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नीट पढ़ेंगे तो आपका कवर होगा कि नहीं होगा, 100% कवर होना है। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेकेंड चैप्टर, अब पहले जो पेज में दिया होगा वो केवल एक क्या दिया है, समरी दिया है, एक हिस्ट्री दिया है कि जो फ्लावर हैं उनका यूज तो बेटा आगे है, लेकिन उनका और क्या यूज हो सकता है? एस्थेटिक यूज हो सकता है, आस्था के लिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन को सही करने के लिए। तीसरा उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम, आप लोग ने देखा होगा क्या, कहीं आप खुशी में जाते हो तो गिफ्ट करने के लिए फ्लावर देते हो, या फ्लावर के जगह जहाँ खूब अच्छे फ्लावर खिले हों, आपका मन थोड़ा सा अशांत हो तो भी आप जाते हो तो देख के आपको क्या मिलती है, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है ना बेटा, फ्लावर और आप खूब अच्छे लगे हों, आपका मन भी नहीं कर रहा हो बैठ करके, वहाँ फिर भी बैठ के आप कुछ अच्छा ही सोचने लगते हैं, तो आपके मूड को भी सही करते हैं। तो चलो पहला पेज ऐसे ही लाइन में है, जहाँ से शुरू होगा बेटा वहाँ मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूज सेक्सुअली? क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? क्योंकि प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर। ठीक है, तो प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट क्या है बेटा? पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर। कौन सा पार्ट होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कौन सा है? फ्लावर। वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, फ्लावर से हम परफ्यूम बनाते हैं, फ्लावर बहुत जगह यूज होते हैं फ्लावर बेटा, मंदिर में जाते हो गिफ्ट करते हो, एस्थेटिक भी तो हैं। अभी नवरात्र खत्म हुआ है तो गुड़हल की माला बहुत लोग चढ़ाते थे, तो आस्था से भी तो रिलेटेड है ये। देखिएगा, मैरियड ऑफ द फ्लावर इंजॉय ग्रेजिंग एट सेंट एंड परफ्यूम्स दैट वी सून ओवर द रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस आर ऑल दीज आर एट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस यूज बाई ओन सेल्फनेस, आल फ्लावरिंग प्लांट सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है? ऑलवेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कुछ ऐसे प्लांट हैं बेटा जिनमें फ्लावर नहीं होता है, उसमें कैसा होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई बताओ प्लांट जिसमें फ्लावरिंग ना होती हो, सारे प्लांट में फ्लावरिंग होती है,
सुगर केन, सैंडल, चंदन, ये क्या है बेटा? अब इनमें कैसे होगी रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल, मतलब जिस प्लांट में, प्लांट हैव नो फ्लावर, देन दे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली। एग्जाम्पल सुगर केन, सैंडल, चंदन, ठीक है बेटा, गन्ना, इनमें फ्लावर नहीं होता है तो ये कैसे करते हैं? एसेक्सुअल। इसका मतलब क्लियर हो गया ना कि प्लांट में यदि फ्लावर है तो कैसे करता होगा रिप्रोड्यूस? सेक्सुअली, ठीक। अब आगे देखिएगा, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ लुक ऑफ डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर इन फ्लोरेसेंस। तो फ्लावर जिस एक्सिस पे लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लावर एक्सिस को क्या कहते हैं बेटा? इन फ्लोरेसेंस। छोटे छोटे पॉइंट हैं, बिल्कुल आपके दिमाग में रहेंगे, गलतियां होंगी ही नहीं, ठीक। तो फ्लावर जिस एक्सिस पे होता है, फ्लावर एक्सिस को क्या कहते हैं बेटा? इनफ्लोरेसेंस। आपने पढ़ा होगा साइमोज, रेसिमोज, 10th में, 11th में, 11th में पढ़ा है, 11th में आपने पढ़ा है रेसिमोज, साइमोज। रेसिमोज क्या होता है बेटा? बड़े फ्लावर नीचे, छोटे फ्लावर ऊपर। एग्जाम्पल ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, मस्टर्ड, ठीक है। साइमोज, बड़े फ्लावर ऊपर, छोटे फ्लावर नीचे, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है आपका? इनफ्लोरेसेंस तो है, वो एक्सिस जिस पे फ्लावर अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस। क्लियर हो गया? पेडिसल, पिडेंकल, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे। चलिए आगे देखिएगा, एडाप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रूट एंड सीड। तो बेटा फ्लावरिंग प्लांट में जो एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एंड प्रोडक्ट वो क्या होता है? फ्रूट एंड सीड। और बेटा आपको पता है केवल और केवल एंजियोस्पर्म होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? फ्रूट। क्योंकि एंजियोस्पर्म में क्या पाई जाती है? ओवरी। अब देखो थोड़ा सा बेसिक पार्ट बता दूं, फ्लावर में बेटा क्या क्या होता है? ये स्ट्रक्चर सबको याद होगा, पिस्टल। यहां क्या होता है? स्टिग्मा। ये क्या होती है बेटा? स्टाइल। ये क्या होती है पार्ट? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा? ओव्यूल। अब क्या अंतर होता है इन लोगों में? इसमें जो ओव्यूल होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है बेटा? सीड। और ओवरी जो होती है ये क्या बनाती है? फ्रूट। ओवरी वाल जो होता है वो क्या बनाता है? फ्रूट वाल। पूछता है कभी कभी कि ओवरी वाल क्या बनाती है? ओवरी वाल बनाती है बेटा रिप्रोडक्शन, सॉरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट वॉल। बोलो इतनी चीजें क्लियर हैं? अच्छा ये बताओ कि फ्रूट उसी में बनेगा जिसमें क्या होगी? ओवरी। और आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर तो आप बोल देते हो लेकिन उसमें क्या होता है? केवल ओव्यूल होता है, क्या नहीं होता है? ओवरी नहीं होती है, इसीलिए कहते हैं नेकेड ओव्यूल। तो बेटा जो आपका जिम्नोस्पर्म होगा वो क्या बनाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद? ओनली सीड। क्यों? बिकॉज ओवरी एब्सेंट।
ओवरी है ही नहीं है तो वो फ्रूट कहां से बनाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? चाहो तो नोट कर लो बेटा, ठीक, क्योंकि आपको बेसिक पता रहेगा। तो मैं कह दूं एंजियोस्पर्म का एक सबसे बड़ा कैरेक्टर है फ्रूट। यदि फ्रूट बन रहा है इसका मतलब डिवीजन कैसा होगा बेटा? एंजियोस्पर्म होगा, जिम्नोस्पर्म या फिर दूसरे नहीं हो सकते हैं। और कोई चैप्टर अटैक की बस यही एक पहला ही है? नहीं, नई वाले, नई वाली है, देखना बेटा, देना बेटा। सनफ्लावर को हमारे डेस्क में रखा है। बस यही है, बाकी सारे चैप्टर हैं बेटा। बाकी सारे चैप्टर हैं, सिक्सटीन चैप्टर थे पहले वाले। फोर्टीन कितने हैं? तो बेटा उन्होंने माइक्रोब वेलफेयर ये सब ना दो दो चैप्टर को एक ही में कर दिया है, हटाया केवल यही एक चैप्टर है, ठीक है। चलो इतना हो गया बेटा। इसके बाद कहते हैं आगे, देखिएगा आगे पैराग्राफ। ह्यूमन बीइंग हैव हैड इंटीमेट रिलेशन विद द फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लावर सिंस एस्थेटिक ऑर्नामेंटल। एस्थेटिक मतलब जहां जाते हो आपकी आस्था होती है चढ़ाने के लिए, फूल, मंदिर, कहीं भी। ऑर्नामेंटल घर सजाने के लिए। सोशल रिलीजियस कल्चर वैल्यू एंड दे ऑलवेज बीन यूज सिंबल ऑफ कन्वेनिंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉरिंग। अब ये ग्रीफ मॉरिंग क्या है बेटा? ये है कि जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ भी फ्लावर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, उनकी आत्मा को शांति मिले इसलिए, क्योंकि वो किसके सूचक होते हैं? फ्लावर शांति के, सद्भावना के, ठीक है। तो फ्लावर का ये यूज है बेटा। इतना याद हो गया ये इस ये पेज? इस पेज में कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? सिंपल था, समझ में आ गया बेटा? बुक लेके बिल्कुल आइए, एनसीईआरटी बुक मस्ट है। पुराना वाला लेके आओ, उसमें क्या है यार, है तो वही चैप्टर्स, ठीक है, पुराना वाला ही लेके आइए आप। आगे बात करते हैं बेटा। द बायोलॉजिस्ट फ्लावर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब हम देखते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर को, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से थोड़ी थोड़ी बताने लायक बातें शुरू होती हैं। फ्लावर का ये पार्ट
पिस्टल, ठीक है। इसके बाद जहां पे ये लगा होता है बेटा वो होता है थैलमस, याद होगा आपको। यहां एक छोटा छोटा कभी स्ट्रक्चर लगता है बेटा, इसको कहते हैं एपिकैलिक्स, ठीक है। यहीं से एक पार्ट निकलता है, ठीक है, बस दो दो बना रहे हैं आपके समझने के लिए, ठीक। ये निकलता है, इसके बाद कभी कभी आप देखते हैं कुछ कलर्ड स्ट्रक्चर बेटा इसमें लगे होते हैं फ्लावर में, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होता है। यदि इसके एनाटॉमी को हम देखें तो देखो ये पार्ट जो होता है बेटा वो क्या होता है, एपिकैलिक्स, ठीक। ये क्या होता है, कैलिक्स। एक और बात, एक और नाम देते हैं इसको, सेपल। ये होता है करोला, इसका क्या नाम है बेटा, पेटल्स। इसके बाद ये स्टैमेन, मतलब पूरा का स्ट्रक्चर स्टैमेन, ठीक। ये पिस्टल। अब जो ग्रुप ऑफ पिस्टल होता है तो उसको कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं बेटा, कई पिस्टल मिलके बनाते हैं तो कहते हैं गाइनोसियम। वैसे ही स्टेमेन का जब ग्रुप होता है कई तो उसको क्या कहते हैं, एंड्रूसियम। एंड्रूसियम और गाइनोसियम। अब इस फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं, कौन से नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं बेटा उसको कहते हैं इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते हैं उसको कहते हैं नॉन इसेंशियल। तो बेटा इसमें इसेंशियल कौन है, पिस्टिल एंड स्टैमेन। क्योंकि स्टैमेन में आगे जाकर के हम देखेंगे तो क्या बनेगा बेटा, आगे देखेंगे तो उसी में पोलन ग्रेन बनेगा और इसमें क्या बनेगा, ओव्यूल, ठीक। तो अभी बात करते हैं बेटा इसके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट की या नॉन इसेंशियल पार्ट का। तो फ्लावर का जो नॉन इसेंशियल पार्ट होता है, इस नॉन इसेंशियल पार्ट को कहते हैं, इसमें आ जाता है आपका एपिकैलिक्स, इसके बाद कैलिक्स और करोला, नॉन इसेंशियल। यदि फ्लावर के मैं पार्ट को देखूं तो नॉन इसेंशियल एंड इसेंशियल। नॉन इसेंशियल में कौन कौन है बेटा बोलो, एपिकैलिक्स, कैलिक्स को हम क्या कह सकते हैं, सेपल्स, करोला को पेटल्स। यदि ये फ्लावर में हो तो फ्लावर की खूबसूरती बढ़ जाएगी, लेकिन इनका कोई यूज नहीं है। तो बेटा रिप्रोडक्शन में यूज नहीं है, बाकी यूज तो है, ठीक है। इसेंशियल में क्या है बेटा, वो तो हमें पढ़ना ही है, स्टैमेन एंड पिस्टल। यदि मैं बेटा कैलिक्स और सेपल्स की बात करूं, कैलिक्स की बात करूं या ईपी कैलिक्स को छोड़ दीजिए, कैलिक्स की बात करूं, कैलिक्स यानी सेपल्स की बात करूं, तो ये क्या करते हैं, फ्लावर में प्रोटेक्शन करते हैं। फ्लावर को किसका काम करते हैं, फ्लावर में प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की जरूरत किसको पड़ती है बेटा, पिस्टिल और स्टेमन को। मेन पार्ट वही है, पैसे को कहाँ बेड पे फेंकते हो कि तिजोरी में रखते हो, क्यों सेव करते हो ना, जरूरत तो उसी की होती है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जबकि करोला का काम क्या होता है बेटा, पेटल्स का काम क्या होता है, गुलाब का फूल देखे होगे आप लोग रोज, उसमें जो कलर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है, पेटल्स होता है। तो बेटा वो कलर्ड होता है, पेटल्स अक्सर क्या कहते हैं, कलर्ड होते हैं।
तो इनका काम क्या होता है बेटा? पॉलिनेशन। क्या काम होगा इनका? क्या ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे? तो फ्लावर को पॉलिनेट कराने में हेल्प करते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि तोड़ो और फेंक दो। यदि नेचर ने इनको दिया है तो पक्की बात है इनका कोई ना कोई यूज जरूर होगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो इसेंशियल में आपको पता लग गया क्या होता है, नॉन इसेंशियल में क्या होता है। इसेंशियल में हमारे केवल दो पार्ट हैं, कौन कौन है? पिस्टल, जबकि ग्रुप ऑफ पिस्टल मिलकर क्या बनाती है? गाइनोसियम। ग्रुप ऑफ पिस्टल क्या बनाती है? गाइनोसियम। इसके बाद दूसरा है स्टेमेन, जो इसेंशियल पार्ट है। ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज एंड्रूसियम। ठीक है, नॉन इसेंशियल में हमारे पास क्या होता है बेटा? मेनली सब में एक एपिकैलिक्स नहीं मिलता है। गुड़हल आप देखे हो तो जब फूल आप तोड़ के देखो तो नीचे डंडी के पास हरा हरा लगा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर छोटा सा बना होता है ऐसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कलर्ड निकलते हैं। जो ये हरा हरा स्ट्रक्चर होता है यही होता है एपिकैलिक्स। मालवेसी फैमिली का है, पढ़ा भी होगा आपने इसको, चाइना रोज। ठीक, तो बेटा ये होता है एपिकैलिक्स। और दूसरा हुआ है मैंने बताया सेपल्स, सेपल्स यानी कैलिक्स, और पेटल्स करोला। कैलिक्स का मेनली काम होता है बेटा प्रोटेक्शन। करोला का काम क्या होता है? ये जनरली कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। काम क्या होता है इनका? पॉलिनेशन। क्लियर हो गया इतनी बात? चलो फिजिक्स में क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिस्टेट स्टार्ट हो गया। टेस्ट कब है तुम लोगों का पहला? वेकेशन के बाद है। वेकेशन कब से है? मई से है। ठीक है, जितना पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बेटा फिजिक्स में अभी आपको जस्ट इलेक्ट्रोस्टेट नहीं पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा मैथमेटिकल टूल, कम से कम ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ग्राफ, जैसे स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, ये सब तो आपको आता होगा पहले से, थोड़ा सा बस उसको बता देना है। नहीं आता पहले से? ग्राफ पहचान लेते हो, स्लोप बना लेते हो, बस आ गया। तो बेटा बात शुरू करते हैं पहले पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं स्टेमेन। चलो अच्छे इसको एनसीईआरटी से देखो आप थोड़ा सा। बेटा आपको नोट्स चाहिए तो मैं प्रॉपर नोट्स दूँ, याद करवा के यहीं पे आपको बिल्कुल आप पेज पलटो आपको तैयार हो जाए, तो फिर आप एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो बता दूंगा और सारी चीजें यहीं याद करा दूंगा। ठीक, चले देखिए। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट क्या है? मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर सीन इन अ प्लांट द डिस्कशन ऑफ द प्लांट गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम। फ्लोरल प्राइमोर्डियम क्या होता है? जिसमें पूरा का पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर बना होता है। तो बेटा कौन होता है? इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड, जिसपे फ्लावर, जो फ्लोरल बड जिसपे सिचुएट होता है बेटा, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस। क्लियर हो गई इतनी बात? देन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम डिफ्रेंशिएटेड एंड डेवलपमेंट यू हैव रिकॉर्ड द एंड्रूसियम कंसिस्ट वर्ल ऑफ स्टेमेन। ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज अ एंड्रूसियम, ग्रुप ऑफ पिस्टल इज अ गाइनोसियम। क्लियर हो गया बेटा? सिंगुलर है, एक है तो पिस्टल है, ग्रुप ऑफ पिस्टल है तो क्या है बेटा? गाइनोसियम है, एक स्टेमेन है। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी कंडीशन यदि 11th की याद होंगी, यदि पढ़े होंगे आप तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा स्टेमेन के बारे में। एक तो होते हैं फ्री, दूसरे होते हैं अटैच्ड, उसमें भी आपने पढ़ा होगा सिंजिनेसियस, सिनेंड्रस। याद है सिनेंजियस क्या होता है? एंथर फ्यूज फिलामेंट फ्री सिंजिनेसियस। सिनेंड्रस, एडल्फस, एडल्फस पढ़ा है मालवेसी में, पेपिलियोनेसी में बेटा? नहीं पढ़ा है?
बता ही दूं थोड़ा सा उसको, क्लियर है आपको? सिंजेनेसियस, सिनेंड्रस, ये मतलब इलेवेंथ भी पढ़वा लो, ट्वेल्थ भी पढ़वा लो। चलो बेटा करना तो है ही है, ठीक। ये तो स्टेमेन देखो बिल्कुल फ्री है, ठीक, इनकी कोई बात नहीं होगी। यदि ऐसा कुछ कंडीशन हो यहां पे, देखो बेटा एंथर फ्री हैं, एंथर कैसे हैं, और फिलामेंट कैसे हैं, फ्यूज, तो ये कंडीशन कहलाती है एडल्फस। ठीक है, अब एडल्फस कंडीशन आप कहां पढ़ते हो? यदि आप जाओ तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा चाइना रोज में, आप देखोगे तो 4, 5, 6 जो है एंथर निकले होते हैं, जबकि फिलामेंट एक ही होता है, उसको कहते हैं बेटा एडल्फस। इसके बाद पेपिलियोनिटी में पढ़े होंगे 1 और 1 एंड 9, इसलिए एंड्रूसियम को पेपिलियोनेसी में कैसे लिखते हैं बेटा, एंड्रूसियम को ऐसे लिखते हैं 9+1, कि एक ग्रुप में कितने हैं, 9 हैं और एक में 1 है। ये कंडीशन कौन सी होती है बेटा, एडल्फस। दूसरा होता है बेटा सिंजेनेसियस। सिंजेनेसियस क्या होता है, कि एंथर फ्यूज हैं और इनके फिलामेंट फ्री हैं। ये कंडीशन कौन सी होती है, पेपिलियोनेटी में होती है। तो अब समझ में आ गया आपके कि एंथर फ्यूज, फिलामेंट फ्री, सिंजेनेसियस, एंथर फ्री, फिलामेंट फ्यूज, एडल्फस, मोनो एडल्फस भी हो सकते हैं, डाई एडल्फस भी हो सकते हैं और पॉली एडल्फस भी हो सकते हैं, जिसमें सारे के सारे ये फ्यूज कर जाएंगे फिलामेंट, वो कैसे होंगे बेटा, मोनो एडल्फस, जिसमें ये एडल्फस दो होंगे डाई एडल्फस, जिसमें कई एडल्फस होंगे वो क्या होंगे, पॉली एडल्फस। तो बेटा उतना आपके सिलेबस में नहीं है, बस इनकी डिफिनीशन आपको याद रहनी चाहिए, सिंजेनेसियस और सिनेंड्रस, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो थोड़ी सी बात करते हैं अब स्टैमेन की, स्टैमेन के थोड़े से पार्ट, ठीक, बना रहे हो क्या इसको भी, छापो। क्लास की टाइमिंग अभी क्या है आप लोगों की, 10 से 4, स्कूल टाइमिंग 8 से 2, अभी नीट बैच में मेरी क्लास होती है 9:30 से 5, रिवीजन चल रहा है बेटा, एक ही महीना टाइम है उनके पास, तो मैक्सिमम मैं जितना दे सकता हूँ उतना दे रहा हूँ उनको। थोड़ा एक महीने मेहनत का काम है मेरे लिए, नहीं बेटा आप पढ़ाने के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है, पढ़ाएंगे आपको वैसे ही जैसे नॉर्मली क्लास चलती है। हो गया बेटा, चलो बात करते हैं बेटा आप सबसे पहले स्टैमेन की। ग्रुप ऑफ स्टैमेन क्या होगा बेटा, एंड्रूसियम, याद हो गया,
यदि मैं स्टेमेन की बात करूं तो स्टेमेन के मेनली कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो पार्ट होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? फिलामेंट एंड एंथर। यदि मैं स्टेमेन की बात करूं तो इसके कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। कौन कौन से? इस पार्ट को क्या कहें? फिलामेंट। और इस पार्ट को क्या कहें हम? एंथर। थोड़े थोड़े से चीजें मैं बताऊंगा अभी आज। ये जो इंड होता है इसको कौन सा इंड कहते हैं, और ये इंड होता है जो फिलामेंट का इसको कौन सा इंड कहते हैं? आपने पढ़ा है प्रॉक्सिमल इंड एंड डिजिटल इंड। प्रॉक्सिमल इंड क्या होता है बेटा, और डिजिटल इंड क्या होता है? ये जो होता है प्रो मतलब जहां से निकला होता है, जहां इंड जहां से वो स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोट मतलब लाइफ की सेलुलर फॉर्म जहां से स्टार्ट हुई इसको कहते हैं प्रो। ये होता है प्रॉक्सिमल इंड। ये प्रॉक्सिमल इंड जो होता है बेटा ये कहां से अटैच होता है? अटैच्ड टू थैलमस। अब आप देखो कि फ्लावर का ये पार्ट था, यहीं से क्या लगी थी बेटा? पिस्टल गई थी, और यहीं से क्या लगा था? स्टेमेन लगा था। तो प्रॉक्सिमल इंड कहाँ अटैच था बेटा? थैलमस में। कहाँ अटैच था प्रॉक्सिमल इंड? थैलमस में। अच्छा तो थैलमस समझते हो ना, जिस पर ओवरी सिचुएट होती है फ्लावर का पार्ट, उसको क्या कहते हैं हम? थैलमस कहते हैं। यदि मैं फिलामेंट का ये डिजिटल एंड कह दूं ये किससे अटैच है? अटैच टू एंथर। देखो अभी मैं केवल फिलामेंट के बारे में बात कर रहा हूं। दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है स्टेमेन के कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो पार्ट। पहला पार्ट कौन सा है? एंथर। दूसरा पार्ट कौन सा है? फिलामेंट। तो जो फिलामेंट होता है वो कहां अटैच होता है? थैलमस से। कहेंगे कौन सा पार्ट फिलामेंट का? प्रॉक्सिमल इंड। क्लियर हुआ? स्टेमेन फिलामेंट प्रॉक्सिमल इंड अटैच टू द थैलमस। फिलामेंट प्रॉक्सिमल इंड थैलमस, याद हो गया दिमाग में? फिलामेंट प्रॉक्सिमल इंड थैलमस, फिलामेंट डिजिटल इंड एंथर। फिलामेंट का डिजिटल इंड किससे अटैच होता है? एंथर से। एंथर इज जनरली बाईलोब्ड। एंथर कैसे होते हैं बेटा? जनरली बाईलोब्ड होते हैं। दिख रहा होगा? ठीक है। ईच लोब टू थीका। एक लोब में कितनी थीका होती है? सॉरी, दो। तो बेटा बाईलोब्ड टेट्राथीकस या ईच लोब डायथीकस, ये सब मैं लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो चलो अभी कितना पार्ट हम लोग पढ़े हैं उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले यदि एंजियोस्पर्म है और फ्लावर है, तो एंजियोस्पर्म में मेनली फ्लावर होता है। अब कहते हैं कि किसी फ्लावर में प्लांट क्या है, सॉरी, किसी प्लांट में फ्लावर है तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा कि सेक्सुअली? सेक्सुअली, क्योंकि प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है वो कहाँ होता है? फ्लावर के अंदर। क्लियर हो गया? अब पूछेंगे फ्लावर के अंदर क्या सभी पार्ट इसेंशियल होते हैं या सभी रिप्रोडक्टिव होते हैं? नहीं, प्लांट के अंदर केवल मेनली दो पार्ट होते हैं जो मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव होते हैं। जो स्टेमेन होता है बेटा ये कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट। क्लियर है? स्टेमेन कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट। गाइनोसियम कौन सा पार्ट है? फीमेल। या पिस्टिल कौन सा पार्ट है? फीमेल। अभी हम पिस्टिल की कोई बात नहीं करेंगे, अभी स्टेमेन की बात हो रही है। तो कहेंगे अच्छा नॉन इसेंशियल पार्ट में कौन कौन से हैं? कहेंगे सेपल्स एंड पेटल्स। तो सेपल्स का वर्क क्या होता है?
प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर। पेटल्स का वर्क क्या होता है? पॉलिनेशन। तो दोनों में कलर्ड किसको होना चाहिए? इंसेक्ट को अट्रैक्ट कौन करेगा? पेटल करेगा। पेटल इसीलिए कलर्ड होते हैं कि फ्लावर के अंदर क्या हो? पॉलिनेशन हो। कहेंगे फ्लावर बड जिस पे सिचुएट होता है उसको क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस। जिस पे फ्लावर बड सिचुएटेड होता है उसको क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस। अब कहते हैं कि कभी कभी आपने पढ़ा है, यदि स्टेमेन पढ़ना शुरू करें तो स्टेमेन की कुछ कंडीशंस होती हैं, एडल्फस एंड सिंजनीसियस। यदि बेटा एंथर फ्यूज फिलामेंट फ्री तो होते हैं सिंजनेसियस। क्या होते हैं? सिंजनेसियस। और दूसरा मैंने बताया कि फिलामेंट फ्यूज एंथर फ्री तो होते हैं एडल्फस। कभी कभी दोनों फ्यूज होते हैं तो सिनेंड्रस होता है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, कुकरबिटेसी में होती है, वो आपके फाइल उसमें नहीं है, फैमिली कुकरबिटेसी आप में नहीं है। तो इतना क्लियर हो गया जितना फ्लावर पढ़े। अब इसके बाद बात करते हैं हम किसका? फ्लावर के स्टेमेन वाले पार्ट का। तो स्टेमेन के मैंने बताया दो पार्ट हैं, मेल फ्लावर स्टेमेन, ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज एंड्रूसियम। याद हो गया, ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज एंड्रूसियम। अब बताते हैं कि फ्लावर के दो पार्ट हैं, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड थैलमस से ज्वाइंट होता है। नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये कि फिलामेंट का कौन सा पार्ट लगता है थैलमस से। कौन सा पार्ट लगता है बेटा? प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू द थैलमस। डिजिटल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू द एंथर। एंथर इज अ बायलोब। जनरली एंथर इज अ बायलोब। ठीक है,